किया सेल्टॉस 2023 के फेसलिफ्ट के साथ में इंडिया में लॉन्च होने वाली है, लेकिन उसका लॉन्च भी डिले हो चुका है। जैसे कि अगर आपने हमारे पहले वाले वीडियोस देखे होंगे तो आपको पता होगा कि सेल्टॉस को फरवरी के मतलब कि फेब के फर्स्ट वीक के आसपास लॉन्च होना था, और उसको लॉन्च अगर हो जाती ऐसे में या फिर अनवील होती तो हमें इनसाइट ज़रूर मिलते, लेकिन लॉन्च डिले हुआ है। रीज़न यही है कि क्रेटा का भी लॉन्च डिले हुआ है, तो इस वजह से सेल्टॉस का भी लॉन्च ऑब्वियसली डिले होगा। इस वीडियो के अंदर डिटेल में बात करने वाले हैं कि सेल्टॉस का लॉन्च डिले हुआ है तो एक्जैक्टली कब लॉन्च होगी, क्रेटा के बाद लॉन्च होगी या फिर पहले होगी, कितनी प्राइसिंग के साथ में होगी और कितने अपडेट्स के साथ में आएगी, कुछ चीज़ें जो हमने पहले वाले वीडियोस के अंदर आपको नहीं बताई थी वो अब हम क्लियर करने वाले। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है, उसके बाद अगर कोई डाउट्स वगैरह रहते हैं इंस्टाग्राम के ऊपर ट्राई करना कि आप वहाँ पे डाउट्स पूछो DM करके, क्योंकि वहाँ पे आपको आंसर भी जल्दी मिल जाता है। तो इस वजह से प्रेफर करो कि इंस्टाग्राम के ऊपर DM करके आप क्वेश्चन पूछ लो। बाकी ये सारी चीज़ें थी, गाड़ी के बारे में बात करेंगे, उसके एक्सटीरियर इंटीरियर में होने वाले बदलाव की बात करेंगे, इंजन ऑप्शंस के अंदर होने वाले बदलाव की बात करेंगे, फीचर्स जो नए आने वाले उन सब फीचर्स की भी बात करने वाले, तो उन सब की डिटेल में बात करने वाले। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। लॉन्च डेट और प्राइसिंग आपको वीडियो को एंड तक देखने को मिल जाएगी, लॉन्च डिले हुआ है और कितना एग्जैक्ट हुआ है या फिर कितनी चीज़ें उससे अफेक्टेड होगी रिलेटेड टू लॉन्चिंग, उन सब की भी बात करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है, यही आपसे एक रिक्वेस्ट है। बाकी वीडियो को स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले एक्सटीरियर से शुरुआत करेंगे कि गाड़ी के एक्सटीरियर के अंदर आपको कितनी चीज़ें नई देखने को मिलेगी। तो फ्रंट से शुरुआत करेंगे, फ्रंट के अंदर आपको ग्रिल चेंज हुई देखने को मिलेगी, वही सेम पैटर्न के साथ में टाइगर नोज ग्रिल होगी सेम कैरेक्टर के साथ में, लेकिन जो अंदर पैटर्न होगी जो कि अटेंशन टू डिटेल के मामले में अंदर आएगी वहाँ पे कंसिडरेशन में आएगी, तो वो सारी चीज़ें आपको नई देखने को मिलेगी। बात करें हेडलैम्प्स की तो वहाँ पे आपको ट्विकिंग देखने को मिलेगी, नए हेडलैम्प्स है और ज़्यादा स्लीकर देखने को मिलेंगे, प्लस आपको जो DRL है वो आपको हेडलैम्प्स के नीचे से रन करती हुई देखने को मिलेगी जो कि मर्ज होगी ग्रिल के अंदर, वेरेज जो अभी वाली सेल्टॉस है वहाँ पे आपको ऊपर की ओर DRL देखने को मिल रही थी, तो ये डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। नीचे बात करें तो आपको फ्रंट बम्पर पूरा चेंज देखने को मिलेगा, फॉग लैम्प्स के अंदर थोड़े बहुत ट्विक्स आपको देखने को मिलेंगे, आपको फ्रंट बम्पर के नीचे स्किड प्लेट की ट्रीटमेंट देखने को मिलेगी सिल्वर कलर की, तो ये सारी चीज़ें फ्रंट के अंदर होने वाली है। साइड से बात करें तो साइड में टायर साइज सेम रहेगी आपको, डायमेंशंस की बात करें तो कोई भी चेंज आपको वहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि न्यू जनरेशन नहीं आने वाली, सिर्फ फेसलिफ्ट आने वाली है। अलॉय व्हील्स की बात करें तो वहाँ पे भी आपको नए अलॉय व्हील्स डिज़ाइन देखने को मिलेगी, टायर साइज के अंदर कोई भी बदलाव आपको देखने को नहीं मिलने वाला है। रियर से अब बात करेंगे तो रियर के अंदर आपको फाइनली जो कनेक्टेड टेल लैम्प्स है वो आपको देखने को मिलेगी जो कि क्रेटा से हटा लिए गए और सेल्टॉस के अंदर पहले नहीं थे, लेकिन अभी आपको इंट्रोड्यूस कर दिए गए कनेक्टेड टेल लैम्प्स, तो वो होने वाली है। रियर का भी बम्पर आपको चेंज देखने को मिलेगा, वहाँ पे भी सेम स्किड प्लेट की ट्रीटमेंट देखने को मिलेगी, तो ये सारी चीज़ें आपको सेल्टॉस के साथ में फेसलिफ्ट के अंदर देखने को मिलने वाली है। रियर के अंदर भी आपको जो भी बम्पर के ऊपर चेंजेस होंगे वो फ्रंट के अकॉर्डिंग मतलब कि फ्रंट से सिमिलर ही होंगे। आपको पैनोरामिक सनरूफ फाइनली देखने को मिलने वाला है विद दी वॉइस असिस्टेंट, शार्क फिन एंटीना आपको ऊपर की ओर रूफ माउंटेड देखने को मिलेगा, आपको स्पॉइलर देखने को मिलेगा, रियर वाइपर वॉशर फ्लूइड मतलब कि डिफॉगर, ये सारी चीज़ें भी आपको देखने को मिलने वाली है गाड़ी के अंदर एज इट इज़। एडास भी मिलने वाला है गाड़ी के अंदर, तो आपको 360 डिग्री कैमरा वो सारी चीज़ें मिलने ही वाली है। खैर इंटीरियर की बात करेंगे तो वहाँ पे कितने फीचर्स हैं उनकी बात करेंगे, सबसे पहले इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर चेंज होगा, जो फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर हमने किया स्पोर्टेड के साथ में देखा था जो कि इंटरनेशनल ग्लोबल वेरिएंट के साथ में लॉन्च किया था इन लोगों ने 2022 वाला, वही सेम यूनिट आपको सेल्टॉस 2023 में देखने को मिलेगा, फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, कूल्ड ग्लव बॉक्स आपको देखने को मिलेगा, फ्रंट की दोनों सीट वेंटिलेटेड होगी, फ्रंट की दोनों सीट इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल होगी, प्लस ड्राइवर सीट आपको इलेक्ट्रिक होने के साथ साथ मेमोरी फंक्शन के साथ में भी आने वाली है, तो ये एक एक्साइटिंग चीज़ होने वाली है। इंफोटेनमेंट की बात करें तो न्यू UI न्यू थीम होगी, तो इस वजह से आपको फ्लुइडिटी और ज़्यादा देखने को मिलेगी, कोई भी लैग जैसी चीज़ अभी तक किसी को भी नहीं देखने को मिली है, मतलब ये Hyundai किया के इंफोटेनमेंट सिस्टम बहुत अच्छे होते हैं लेकिन उसके बावजूद उसको और ज़्यादा इम्प्रूव करने वाले हैं Hyundai, तो इस वजह से या फिर बात कर लो Hyundai किया ग्रुप एक ही है, तो इस वजह से सेल्टॉस का भी अपडेट होने वाला है। रियर की सीट पे ऊपर सीट के ऊपर तीनों एडजस्टेबल हेडरेस्ट देखने को मिलेंगे, रियर AC वेंट देखने को मिलेगा, रियर की विंडोज़ के ऊपर दोनों प्रॉपर सनशेड देखने को मिलेगी मतलब कि कर्टन्स ही होंगे ऑब्वियसली,
तो ये सारी चीज़ें होने वाली हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि पैनोरमिक सनरूफ आपको फाइनली सेल्टोस के साथ में देखने को मिलने वाला है, तो ये एक एक्साइटिंग चीज़ होने वाली है, क्योंकि कई सारे लोग सेल्टोस के अंदर स्पेसिफिक ये एक फीचर के लिए रुक रहे थे, तो ये एक अच्छी चीज़ होने वाली है। आपको बोस के स्पीकर टिपिकल जो अभी भी मिलते हैं वही सेम साउंड सिस्टम के साथ में देखने को मिलने वाले। स्टीयरिंग व्हील की डिज़ाइन चेंज होगी या फिर नहीं होगी उसके ऊपर कंफर्मेशन नहीं है, जैसे कि कई लोग पूछ रहे थे कि सेल्टोस का स्टीयरिंग व्हील जो ग्लोबल में उन लोगों ने चेंज किया है तो इंडिया के अंदर होगा या फिर नहीं होगा, वो किसी को नहीं पता है। इंजन ऑप्शंस की अब बात करेंगे तो गियरबॉक्स या फिर इंजन में क्या प्रॉब्लम क्या चेंज होने वाला है उनकी बात करेंगे, तो कोई भी चेंज आपको वहाँ पे देखने को नहीं मिलने वाला है। मतलब कि अभी जितने इंजन ऑप्शंस आपको देखने को मिलते हैं उतने सफिशिएंट है, क्योंकि कंपटीशन की भी बात करें तो कोई भी गाड़ी आपको ऐसी देखने को नहीं मिलेगी जो कि इतने सारे इंजन ऑप्शंस प्रोवाइड करती हो, एक्सेप्ट ह्यूंडई क्रेटा और किया की सेल्टोस। तो ये दोनों के पास में इतने सारे इंजन ऑप्शंस होने वाले हैं, तो वहाँ पे कोई चेंज करने की ज़रूरत होगी नहीं। गियरबॉक्स की बात की जाए तो वहाँ पे भी कोई मतलब चेंज करने की ज़रूरत नहीं होने वाली है, तो इस वजह से वही सेम एज इट इज़ जो ऑप्शन आपको देखने को मिल रहे थे वही सेम आपको देखने को मिलेंगे। एक चीज़ हो सकती है कि 6 फीट का IMT आपको टर्बो पेट्रोल के साथ में इंट्रोड्यूस करवा दिया जाए, जो कि GT लाइन के वेरियंट्स के साथ में आएगा, और ऐसा भी हो सकता है कि 6 फीट का IMT आपको पेट्रोल और डीजल दोनों के साथ में अवेलेबल करवाया जाए, जो कि पहले सिर्फ डीजल के साथ में आया करता था। तो ये अंदर अंदर चेंजेस ऐसे हो सकते हैं, बाकी कोई नया एडिशन या फिर कोई रिमूवल ऐसी चीज़ें नहीं होने वाली है, तो इसीलिए मैंने आपको पहले ही बता दिया कि कोई नया एडिशन नहीं होगा, सिर्फ अंदर अंदर चेंज वो लोग ज़रूर कर सकते हैं। वैसा सेम केस वेरिएंट के साथ में भी हो सकता है कि अंदर अंदर कुछ वेरिएंट ऐड कर दे या फिर कुछ वेरिएंट को डिसकंटिन्यूड कर दे, तो ये चीज़ें जब गाड़ी लॉन्च होगी या फिर ब्रोशर आएगा तब पता चल सकती है। बाकी अभी तक तो ये सारी इन्फॉर्मेशन दी, अगर कोई नई इन्फॉर्मेशन आती है तो नया वीडियो ज़रूर बनेगा। प्राइसिंग की बात करें तो वो होने वाली 11-21 लाख एक्स शोरूम। अब 11-21 लाख एक्स शोरूम इसीलिए बोला क्योंकि जो GT लाइन वाले वेरिएंट होंगे वो आराम से आपको ऑन रोड एडास के साथ में अगर आप देखोगे तो वो 23 से भी ज़्यादा जा सकते हैं, मतलब 24 ऑन रोड आप मान के चल सकते हो। बाकी जब इन्फॉर्मेशन ज़्यादा मिलेगी तो आपको उसके ऊपर भी बताएंगे वीडियोस के अंदर। लॉन्च की बात करें तो मार्च 2023 अनविलिंग, अभी एक्सपेक्टेड डेट जो नहीं आई है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। बाकी अगर उसके अंदर भी कोई कंफर्मेशन या फिर कुछ नया अपडेट आता है तो ज़रूर उसके ऊपर भी हम वीडियो ज़रूर बनाएंगे, तो उसके लिए चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर लेना ताकि ऐसे कंटेंट आप मिस ना करो। ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब वीडियो को ज़रूर कर देना। अगली वीडियो तक दोस्तों ड्राइव सेफ, थैंक यू।